जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिग्री डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम रोज कर रहे होंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी एयरफोर्स बाय ग्रुप आर्मी कोस्ट गार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 180 का 15% का मान क्या है। देखिए इधर कैसे करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन दिया हो, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 180 का 15%, यहां भी का दी के हमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में हमेशा शो करेंगे। इतनी बात समझ में आई? जीरो से जीरो काटेंगे, पांच से काटेंगे पंद्रह को तीन बार कटेगा, दस को काटेंगे पांच से दो बार कटेगा, दो से काटेंगे अठारह को कितनी बार कटेगा, नौ बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, नौ इंटू तीन कितना हो जाएगा, सत्ताईस, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यस या नो? क्या किया हमने, जहां भी हमें कागज चिन्ह दिखेगा ना, अपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है बताइए करके एक बार, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। देखिए सर क्या कह रहा है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमसे क्या पूछ रहा है। यदि आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो इधर कितना दिया है हमने, सी पीस ने दे रखा है हमको 750 रुपए और एस पी दे रखा है इसने 12 सेलिंग प्राइस दे रखा है 900 रुपए। लाभ कब होता है हमें, लाभ होता है जब एसपी हमारा सीपी से बड़ा हो, तो हमें लाभ होगा। है तो बात क्लियर है? कोई चीज हमने 750 रुपए में खरीदी, 900 रुपए में बेच दी, लाभ हो गया हानि होगी, लाभ होगा। कितने का हो गया भैया, 150 रुपए का। हमेशा लाभ परसेंट किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। कैसे निकालेंगे लाभ कितना है, 150 किस पर, 750 पर। परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से जीरो काटेंगे, पंद्रह से काटेंगे चित्र कितनी बार कटेगा, पांच बार, पांच से काटेंगे 100 को कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो लाभ परसेंट हमारे पास में कितना आ जाएगा भैया, आप बोलोगे भैया लाभ परसेंट आ जाएगा हमारे पास में 20%, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? यस या नो? एक बार बताएंगे सारे लोग। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर एक बार अगला क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर, हमारा क्या कह रहा है। देखिए सर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सर एक बार क्वेश्चन लगाइए, देखो चल ए रेशियो बी बराबर दे रखा है हमने 5:4, कौमा बी रेशियो सी बराबर दे रखा है 8:5, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी रेशियो ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए इधर इसको कैसे करेंगे, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखो इधर इसने हमको दे रखा है ए रेशियो बी का मान दे रखा है 5:4, बी रेशियो सी का मान दे रखा है इसने हमारे पास में जो कितना है 8:5, हमसे ये क्या पूछ रहा है, सी रेशियो ए का मान हमसे ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे देखो उधर, पहले हम निकालेंगे एबीसी का रेशियो। देखो कैसे करते हैं, बी कितना है हमारे पास में, पहले में 4 है दूसरे में 8 है, इसको यहां पर 8 रखेंगे और 5, जो क्या हमारा ए, जो क्या हो गया बी, जो क्या हो गया सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48 कितना हो जाएगा 40 रेशियो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 रेशियो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20,
काटेंगे किसको कैसे कटेगा, चार से कटेगा ये, देखो कितनी आ जाएगा, चार था 40, चार 32, चार 15 20, जो कि हमारे पास में आ गया ए रेशियो बी का मान आ गया 10:8:5। हमसे क्या पूछ रहा है, सी रेशियो का मान हमसे पूछ रहा है, तो सी रेशियो का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो इधर कितना हो जाएगा, सी कितना हमारे पास में 5, ये कितना है हमारे पास में 10, काटेंगे एक बार काटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 5 2, सी रेशियो का मान हमारे पास में आ जाएगा 1:2। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर है, यस या नो, एक बार छापेंगे क्वेश्चन को सभी लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सर एक बार अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, देखिए इधर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। किसी संख्या में 9 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 27, 79, 62, 59, 40, 84, 29, 71 व 80 हैं, तो प्राप्त अंकों का माध्य क्या है, माध्य मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, एक क्या होता है हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला, देखिए इधर हमेशा औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, क्या होता है औसत का फॉर्मूला, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमेशा औसत निकालने का। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इधर पदों की संख्या कितनी है हमारे पास में 9, कितना कितनी है क्या कह रहा है हमसे ये, 9 विद्यार्थी, तो पदों की संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हमारे पास में हो जाएगी 9, पदों का योग निकालेंगे, क्या कह रहा है हमसे ये 27 + 79 + 62 + 80, तो टोटल इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा, मार्कर नहीं चल रहा दूसरा मार्कर लीजिए, टोटल हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 531 निकल के आएगा हमारे पास में टोटल। तो औसत क्या होता है हमारे, वैसा एवरेज बराबर होता है हमारा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग कितना है हमारे पास में 531, पदों की संख्या कितनी है हमारे पास में 9, 531 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 59 बार जाएगा, जो हमारा एवरेज होगा हमेशा हमारा एवरेज निकल के आएगा 59, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है, यस या नो, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सर एक बार क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, लगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए एक बार स्क्रीन पर, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। शर्मा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है, तो साइकिल की चाल 2 मीटर/सेकंड है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, ये हमसे क्या पूछ रहा है भैया, ये हमसे पूछ रहा है विद्यालय से घर की दूरी पूछ रहा है, देखिए कैसे करेंगे इसको, देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हमेशा दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल, दूरी बराबर हमेशा क्या होता है समय इंटू चाल, जो कि हमारे पास में समय कितना दे रखा है इसने, हमारे पास में समय दे रखा है हमारे पास में इसने
15 मिनट। चार क्या हमारे पास में से दे रही है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो जी हमारे पास में चार दे रखी है इसमें सेकंड में, समय हमारे पास में दे रखा है मिनट में, तो हम समय को पहले बार में सेकंड में चेंज करेंगे। तो एक मिनट बराबर कितना होता है, एक सेकंड बराबर कितना होता है 60 सेकंड, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं ना, कितना होता है एक मिनट बराबर हमेशा होता है हमारे पास में 60 सेकंड। तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 15 मिनट बराबर हो जाएगा 300 सेकंड। 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब निकाल दो और रख दो, दूरी निकालनी है। क्या बताया था, समय इंटू चाल, समय हमारे पास में कितना हो गया 300 सेकंड। चाल क्या है हमारी 2, कितना आ जाएगा 600 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां तक बात क्लियर है, जैसे हम लोग एक बार बताएंगे सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्या कह रहा है, गलत तो हो गया कहीं एक बार, हाँ सॉरी सॉरी, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 सेकंड, 900 आ जाएगा, सॉरी कितना होगा 900 सेकंड। अब निकाल दो दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। तुम्हारे पास में स्पीड कितनी है 2, 900 कितनी है सेकंड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1800 मीटर दूरी आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए स्क्रीन पर अपना अगला क्वेश्चन, पढ़िए अगला क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा। देखो इधर, ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए है हमारा किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी है जो हमारा किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इधर इसको कैसे करेंगे, देखो ए है जो हमारा काम को करने में 20 दिन ले रहा है, बी है हमारा जो काम को करने में 30 दिन ले रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 60, जो कि हमारे पास में हो जाएगा कुल काम, कुल काम ठीक है। तो 20 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 30 में 30 का भाग देंगे 60 में 2 बार जाएगा, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, कुल काम बट्टे दिन, 3 दिन ले रहा है तो बी ले रहा है 2 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं 5 दिन, कितना आ जाएगा 12 दिन, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा राइट आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर है, यस या नो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।